हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिन है आज बुधवार का और सुबह के बज गए हैं 5:15। 5 बजे मैं सोकर जो है उठ गई थी और अभी जो है मैं पी रही हूँ पानी। आराम से मैं थोड़ी देर के पानी पीऊँगी। अपनी चाय जो है वो मैंने बनने के लिए रख दी है, अपने लिए भी और हिमांक के पापा के लिए भी। ये आज का ही व्लॉग है। मैं आज इसीलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। वो किस लिए? क्योंकि हिमांक आज पहली बार जो है वो स्कूल गया है। मेरे पास कल की भी बहुत सारी क्लिप्स रखी थी लेकिन मैंने नहीं ऐड करी हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज का ये स्पेशल दिन आपके साथ शेयर किया जाए। मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ था। ये वाली वीडियो मैं भी शायद कल शेयर करती लेकिन आज हिमांक जा रहा था स्कूल, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो जी, पानी पी के और चाय पी के अभी जो है आ गई हूँ मैं किचन में। हिमांक भी सो रहा है और वरुण भी जो है वो अभी थोड़ी देर में, वरुण को मैं उठा दूँगी। हिमांक के पापा जो है वो मेरे साथ ही उठ गए थे आज। आज उनको ड्यूटी पे भी जाना है और सारी जो है मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी जो है वो बनाने वाली हूँ इसीलिए मैं टिंडे बना रही हूँ। कल मैंने घिया बनाई थी और सुबह टिफ़िन में जो है सूखी सब्ज़ी ही दी जाती है, ज़्यादा मतलब लिक्विडी सब्ज़ी नहीं दी जाती क्योंकि जो है पानी का जो अगर आप सब्ज़ी दोगे तो वो टिफ़िन में निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जी अभी टिंडे काट लेते हैं, तब तक मैं वरुण को उठा दूँगी साथ साथ में और उसको पानी वगैरह देने का काम मैं ही करती हूँ। बच्चा है वो बहुत छोटा है ताकि जो क्या वो क्या करता है कि मान लो मैं किचन में काम करने लग जाती हूँ ना तो वो पीछे से जो है वो सो जाता है, वापस जो है वो सो जाता है। तो उसको ना बीच बीच में उठाना पड़ता है उसको भी, मतलब उसको जैसे पानी दिया फिर बेटा माउथ वॉश कराओ, उसको ब्रश कराओ, अच्छा फिर जो है वो कहीं वापस ना सो जाए क्योंकि बच्चों की नींद ऐसी, बच्चे क्या बड़े की सुबह सुबह की जो नींद है सबकी ऐसी ही होती है। फिर उसको मैं बोलती हूँ, जैसे अभी मैं वरुण से ही बात कर रही थी, फिर मैं उसको बोलती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर घूम ले बालकनी में ताकि ठंडी हवा लगे। सुबह सुबह की जो ठंडा मौसम होता ना, सुबह सुबह का एकदम सुहानी जो है वो होता है, सुहाना सा मौसम होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है वो। तो उसको मैं बोलती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर घूम ले, फिर उसको फ्रेशन अप जाने के लिए बोलती हूँ। और आज तो मेरे पास 3-3 टिफ़िन पैक करने आप ये सब, मैं टिफ़िन दिखाऊंगी, मैं 2 के ही टिफ़िन दिखाऊंगी कि मैं कितना सारा मैंने जो है वो पैक किया है क्योंकि हिमांक पहली बार स्कूल जा रहा है और वो उसको भूख बहुत लगती है हिमांक को, मतलब तो वो जल्दी जल्दी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जल्दी मतलब बार बार जो है वो खाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाता है तो भूख जल्दी जो है वो लगती है उसको। तो उसके भी मैंने 3 टिफ़िन पैक करने हैं, वरुण के भी 2 टिफ़िन, पानी की बॉटल, हिमांक के लिए भी पानी की बॉटल, और हिमांक के लिए पानी की बॉटल मैं और लेके आऊँगी ताकि पानी ठंडा रहे। आज तो मैंने उसको पुरानी बॉटल में ही पानी दे दिया था और अभी जो है तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के बाद फिर मैं जो है धीरे धीरे साइड में वरुण का जो पानी है वो गर्म करने के लिए मैं रख दूँगी और साथ में क्या होगा कि हिमांक को भी मैं उठा दूँ। हिमांक को मैं थोड़ा सा जल्दी उठाऊँगी क्योंकि हिमांक की गाड़ी या तो 8:15 आएगी या 8:30 जो, वैसे भैया ने 8:30 का ही बोला कि 8:30 गाड़ी आएगी तो उसके हिसाब से बच्चे को, छोटा बच्चा है पहली बार स्कूल जा रहा है तो उसको थोड़ा जल्दी उठाना, उठा के उसको सुसु पोटी वगैरह कराना, बस वो ना ये होता है। देखो नैनी वगैरह वहाँ पर लगी हुई जो हेल्पर मेड होती है वहाँ पर है स्कूल में, लेकिन आप अपने बच्चे को घर से ही जो है अच्छे से प्रिपेयर करके भेजते हैं ना, जैसे जाते ही अगर मान लो बच्चा बोले कि उसको पॉटी करना है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं उसको घर से ही अच्छे से वो टाइम से उठा के उसको पॉटी वोटी करा के तब मैं उसको जो है वो भेजने वाली हूँ, वो चीज़ें सही रहती हैं। और फिर जो है बच्चा अच्छे से फ्रेश होकर जाता है ना घर से तो उसका खेलने में भी मन लगता है और वो पढ़ाई में भी मन लगता है। 2-3 दिन तो वो क्या पढ़ाई करेगा, 2-3 दिन तो उसको बस ऐसे ही टीचर्स जो है थोड़ा उसको माहौल में डालने के लिए ज़्यादा खेलने में ज़्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो है लंच में दोनों के लिए मैं फ्रूट ब्रेक के लिए वरुण के लिए भी खरबूजा डाल रही हूँ और हिमांक के लिए खरबूजा डाल रही हूँ। हिमांक का डाल के मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी और वरुण का लंच जो है साथ साथ में रेडी हो रहा है। वरुण आ गया, अब उसको नहाने का पानी जो है वो मैं डालने वाली हूँ। ये देखो कितने सारे लंच बॉक्स जो है वो मैंने निकाल दिए, साइड में धो रखे हैं, टिफ़िन्स रखे हैं, पानी की बॉटल्स रखे हैं और हिमांक के पापा का तो अभी मैंने निकाला ही नहीं है, वो तो बाद में पता नहीं खा के जाएंगे या लेके जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है अभी। और अभी मैं सिर्फ सेकूंगी हिमांक के लिए, वरुण के लिए रोटियां। पहले एक गाय की कच्ची पक्की रोटी जो है वो निकालते हैं, एक मैं कुत्ते के लिए निकाल दूँगी और फिर बाद में जो है तीसरी रोटी जो है वरुण के लिए जो है पराठा बनाऊँगी और साथ साथ में उसके पैक करके रख दूँगी। और फिर साथ में जो है तब तक वरुण रेडी हो जाएगा, उसकी ड्रेस वगैरह प्रेस करना। अच्छा बहुत बार क्या होता है कि अगर आप जो है ना
मैं कर नहीं पा रही हूँ आजकल, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं शाम को ही ड्रेस वगैरह प्रेस करके मैं रख देती थी, तो सुबह इस चीज़ का काम जो है मेरी 5-7 मिनट यहाँ पे ख़राब नहीं होती थी, लेकिन आजकल मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो है वो रूटीन पे धीरे धीरे मैं आ जाऊँगी और फिर चीज़ें जो है वो और भी काफ़ी अच्छे से जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं थोड़ी देर में जाके हिमांक को भी उठाऊंगी, क्योंकि आज वो पहली बार जा रहा है तो उसको उठने में भी टाइम लगने वाला है। और वही ये सुबह सुबह का ही जो है वो टाइम होता है कि हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा टाइम करके बचाते हैं टाइम अपने लिए, बाकी के घर के कामों के लिए भी जो है वो हम टाइम बचाते हैं। लेकिन आज वो टाइम मेरा सारा हिमांक के साथ जाने वाला है, क्योंकि बच्चा जब पहली बार जाता है तो उसको पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वही गोलमोल वाला जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर घर से रोते हुए जाएगा ना बच्चा, तो बाद में फिर उसका दिन क्या पता अच्छा जाए या ना जाए, तो घर से उसको ना खुशी खुशी जो है वो अच्छे से मुस्कुराते उसको भेजना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो है मैं साथ साथ में ड्रेस प्रेस कर लेती हूँ। वरुण जो है नहा कर आ गया, वरुण रेडी होगा ना, तब यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ कर दिया आज, मेरे को सुबह जब मैं उठी ना तब मुझे याद था कि आज वेडनेसडे है, वरुण को टी शर्ट देनी है, टी शर्ट और जो निकर जो है वो देनी है, ब्लैक तो यही निकर तो यही होती है ब्लैक वाली, टी शर्ट जो हाउस टी शर्ट होती है वो देनी होती है वेडनेसडे और सैटरडे को। सुबह मैं उठी तब तो याद था, लेकिन बाद में जो है वो मैं भूल गई थी। आज गलती से मैंने वरुण को ये शर्ट पहना के जो है वो भेज दिया, स्कूल की जो शर्ट होती है वो। और अभी टाइम हो गया 6:30 का, 5 से 6:30 का टाइम जो हो गया, और मैं हिमांक को उठा रही थी, और हिमांक ये देखो उठाने के चक्कर वो दोबारा कह मेरे को सोना है, तो यही होता है ना बच्चे को, थोड़ा सा काफ़ी सारा टाइम जो आज मेरे इसी में जो है वो चला गया। 4-5 दिन लगेंगे, हफ्ता भी लग जाए, मे भी शायद 10 दिन भी लग जाए बच्चे को थोड़ा सेट होने में, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस काम को कम देने की बजाय शुरू शुरू में इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देनी पड़ती होगी। मे भी शायद सारे पेरेंट्स ऐसे ही करते होंगे। और अब यहाँ पर जो हिमांक को मैंने नहला के रेडी कर दिया, मसाज उसकी कर दी है, तेल वेल जो इसको क्रीम जो लगानी है वो मैं लगा दूँगी, अच्छे से रेडी कर दिया। अब जो है हिमांक का लंच बॉक्स रेडी करूँगी, और हिमांक जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो चला जाएगा स्कूल, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद जो है घर के काम जो है मैं वो करने वाली हूँ। और आज मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कॉमेंट आया था, दी अपना जो है ग्रोसरी शॉपिंग हॉल जो है आप महीने में क्या क्या कितना कुछ खरीदते हो वो चीज़ें शेयर करना, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो क्लिप अब आप देख रहे हैं ये ना कल की क्लिप है, मुझे बाद में याद आया कि मुझे वो चीज़ें आपने मेरे पास कमेंट्स आए थे तो मुझे वो चीज़ शेयर करनी है, तो अभी मैं सोचा मेरे पास क्लिप्स रखी हैं। तो कल ही गए थे हम मंथली ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए, यहाँ तो पहले हम गादिंग कैंप में कुछ काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमारा काम हो गया है, अभी चल रहे हैं वन स्टॉप पे, ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो सबसे पहले मैंने उठा लिया बेसन, बेसन बहुत ज़रूरी होता है, चीला भी बनता है, कढ़ी भी बनती है, और दलिया लिया है, दलिया तो गर्मी में मस्ट है भाई। हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जैसे सुबह सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, दिन में लंच हैवी बनाते हैं, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे टाइप में जो है वो बनाते हैं, और फिर जो है रात को भी जो नॉर्मल जो दोपहर की सब्जी बच जाती है या फिर सब्ज़ी बनाते हैं रोटी बनाते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे यहाँ मैं बिल्कुल उल्टा करती हूँ, मेरा क्या होता है सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी होता है, और बच्चे तो देखो लंच जो मैं बना देती हूँ सो बनाती हूँ अपने लिए, ब्रेकफास्ट में साथ में रोटियाँ ही खाती हूँ मैं, या पराठा जो बन रहा होता है वो पराठा खाती हूँ। दिन में हम दाल चावल बहुत कम बनता है, या फिर दिन में रोटी नहीं बनाती हूँ, दिन में हम लोग जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो दिन में हम बनाएंगे दलिया, गुड़ का दलिया, कभी नमक वाला दलिया, कभी मीठे गुड़ के जो चावल होते हैं वो, कभी मतलब दाल चावल या राजमा चावल इस तरह, या छोले चावल बन सकता है, लेकिन रोटी जो है वो दिन में हमारे यहाँ नहीं बनती है। हम फिर रात को जो है अच्छा सा हैवी सा बच्चों को मैं डिनर कराऊँगी, और फिर रात को जो है बच्चे तुरंत खाना खा के, आजकल बच्चे तुरंत सो जाते हैं, जब से स्कूल का रूटीन जो शुरू हुआ है ना ये बहुत ही अच्छा हुआ है, पिछले 2 साल से बच्चों का रूटीन, घर वालों का रूटीन सारा जो है वो खराब हो गया था, तो अभी वापस स्कूल शुरू है ना तो वो सारी चीज़ें एकदम सेट हो गई हैं। अदरवाइज बच्चे जो हैं रात को 12-12 बजे तक सोते थे, अभी जो है हिमांक भी 8:30 या 9:45 तक सो जाता है, वरुण भी और मैं भी, मैं मैक्सिमम 9 बजे तक सो जाती हूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई तो 8:30 बजे सो जाती हूँगी, सिर्फ इतना ही है। तो जी मेरा मंथली सामान जो है यहाँ पर मैंने लगभग सारा ले लिया है, और यहाँ पर जो है मैं लाइजोल देख रही थी, काफ़ी सारे ब्रांड के रखे हुए थे, तो मैं ये देख रही थी ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, टाइल्स को ख़राब ना करे, चमक भी दे तो हल्की फुल्की खुशबू भी आ जाए,
और जो है टाइल्स के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं अगर वॉश बेसिन में इसको मैं यूज़ करूँ तो वॉश बेसिन में भी जो है वो यूज़ हो जाए। एक बार तो मैंने हार्पिक का ये रेड वाला लिया, देन उस भैया ने बताया कि एक और आया हुआ है कि वो चीज़ हमने यहाँ पर अभी उन्होंने शॉप पे पोछा लगाते टाइम यूज़ किया हुआ, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा, तो फिर मैंने वो चेंज करके फिर मैंने वो ले लिया। मतलब इस डिस्कशन में हमारे कम से कम 5-7 मिनट ज़रूर ख़राब होंगे। अलग लाइजोल भी था और ये हार्पिक वाला भी था, रेड हार्पिक और भी काफ़ी सारा था, तो उसी में जो है काफ़ी जो है वो टाइम लग गया। अलग अलग ब्रांड के जो है वो हम लोग चेक कर रहे थे, जो बेस्ट होता है उसी को लेते हैं, बेस्ट हो और दाम में कम हो और बेस्ट भी हो, तो वही चीज़ें जो है वो हम देख रहे थे। और यहाँ पे हार्पिक का मैंने पूरा पैक ले लिया है और मोर्टीन का लिक्विड जो है रीफिलर होता है वो ले लिया है, और ये वापस पहले मैंने रेड हार्पिक लिया था वो चेंज करके भी दूसरा ले लिया है, और जैसे सरफ जो होता है 5 किलो की या 3 किलो की पैकिंग जो होती है वो एक साथ ही ले लेती हूँ मैं। अब वो लेने के बाद जो है और भी जो छोटा मोटा सामान जो होता है और जो कुछ भी लेना होता है, जैसे कपड़े धोने का साबुन या फिर बर्तन धोने का साबुन जो होता है वो ले लेती हूँ। मंथली यही होता है, चावल की पैकिंग एक साथ हम बड़ी लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू।